हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनलाइटन एकेडमी। एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एसएससी मेंस में 190 प्लस स्कोर करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, या कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, मैं अगर बोल दूँ कि हाँ आप आसानी से कर लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हाँ, बट इट इज़ नॉट एज मच एज डिफिकल्ट एज वी थिंक। ठीक है, मुश्किल भी नहीं है। आप अगर सीरियसली कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला की पॉइंट कि आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने 8 आवर्स डेडिकेटली, मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा, अगर आपने 8 आवर्स दे रखे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब इस शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आपने 8 घंटे दे दिए तो आप किसी तरह से टाइम पास कर रहे हो 8 घंटे अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। आपको टारगेट रखना पड़ेगा फॉर दैट 8 आवर्स। ठीक है, उस 8 घंटों में टारगेट रखना कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टॉपिक्स करने हैं, टोटली अपॉन यू, आपके लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट करिए और उन टारगेट्स को बढ़ाते रहिए टाइम बाय टाइम। ठीक है, अब ये चीज काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को, जंक क्वेश्चंस। आप किसी ग्रुप में एडेड रहेंगे, कोई फेसबुक पेज आपने फॉलो कर रखा होगा, वहां पे काफी सारे जंक क्वेश्चंस आएंगे जिनका कोई फायदा नहीं है, एग्जाम रेलिवेंसी से जिनका क्या है 0% फायदा है। आपको उन पे फोकस नहीं करना। माइंड इट कि आप 2 मंथ्स जब आपका एग्जाम हो उससे 2 मंथ्स पहले इन ग्रुप्स को अवॉइड करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि टोटली जंक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ग्रुप्स में क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं। यू हैव टू सेट कि आपकी जो आपने थियोरीज पढ़ रखी हैं, लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको अपोलोनियस थ्योरम पे एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम पे आपको पता है कि अपोलोनियस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन दिखता है तो डू इट। ठीक है, तो बढ़िया बात है। पर अजीब गरीब से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आप करने में लगे रहते हो, आधा एक एक घंटा वेस्ट कर देते हो, और सीखने के लिए खास कुछ नहीं होता। सीखने के लिए चलो नो डाउट हर क्वेश्चन में कुछ होता है, बट एग्जाम पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है हमें, उसके बाद ही कुछ जो भी ये नॉलेज एक्स्ट्रा गेन करनी है, बढ़ानी है, वो उसके बाद। ठीक है, चलो अब एक और की पॉइंट है। हम क्या करते हैं, सिलेबस खत्म कर लिया, लेट्स से हमने बुक ए सोच रखी थी हमने ये करनी है। ठीक है, हमने वो खत्म कर ली, नाउ वी थिंक कि हमारा सिलेबस हो गया है, अपनी तरफ से हमने कर लिया, बट नहीं, ये गलत है। आपको उस बुक ए को कम से कम 3 बार करना है। ठीक है, कम से कम 3 बार, जितनी ज्यादा बार कर सको उतना ज्यादा अच्छा, बट कम से कम 3 बार तो करना ही है। ये मान के चलो आपको 3 बार एक बुक खत्म करनी है। कौन सी बुक्स फॉलो करी, मैंने करी थी वो आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी स्टडी मटीरियल है, कोई बुक है, कोई स्टडी मटीरियल है, कोई नोट्स हैं, कुछ भी है, आपको कम से कम 3 बार उनको खत्म करना है और उसके बाद देखना इंप्रूवमेंट। अब जो फाइनल स्टेप होता है हमारा मॉक्स देने का, ठीक है, जैसे हम मॉक्स सिलेबस खत्म होता है तो हम मॉक्स शुरू कर देते हैं सीरियसली देना। दिक्कत क्या आती है, मॉक्स देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी 120 आए, कभी 170 आ गए, कभी उसी में 90 आए उन्हीं मॉक्स में। पहली चीज तो परसेंटाइल देखनी है आपने कि परसेंटाइल क्या बन रही है, परसेंटाइल पे फोकस करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके इस तरह से वेरी कर रहे हैं मार्क्स, परसेंटाइल वेरी कर रही है, कभी 90s में आ रही है, कभी 99 आ रही है, कभी 70 आ रही है, तो प्रॉब्लम है किन्हीं टॉपिक्स में, डेफिनेटली किन्हीं कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली पहली प्रॉब्लम होगी कुछ टॉपिक्स में जो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे अच्छे से कि ये वाले टॉपिक्स है जो वीक है। ठीक है, उनको एनालाइज नहीं कर पा रहे। दूसरी प्रॉब्लम होगी आपकी अटेम्प्ट में। जी हाँ, अटेम्प्ट में जब मान लो कि 95% आई, ठीक है, आपका अटेम्प्ट अच्छा रहा होगा, कूल माइंड अटेम्प्ट रहा होगा, आप जैसे कुत्ते ना फ्लो में हो गया, आपने पहला क्वेश्चन शुरू करा अच्छा हो गया, दूसरा क्वेश्चन अच्छा हो गया, देन आपका मोराल बूस्ट हुआ, तो आपका सारा का सारा जो एग्जाम था, जो टेस्ट था, वो अच्छा हो गया। बट क्या होता है कि उसी नॉलेज लेवल के साथ उसी टाइप ऑफ लेवल का पेपर होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, बट उसी में 75% भी आती है। ऐसा क्यों होता है, ये अटेम्प्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यू आर नॉट राइट नाउ राइट पोजीशन कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपका जो अटेम्प्ट है, अब हर किसी का मोड ऑफ अटेम्प्ट अलग अलग होता है। ठीक है, हर किसी का माइंड अलग तरह से काम करता है, बट आप अटेम्प्ट सही नहीं करते, ये बात ध्यान में रखो। डेफिनेटली ये 2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों पर फोकस करो,
अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, अटेम्प्ट डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि एक आइडियल सा रूल होता है कि आपको जो एक टेस्ट है, मैं मैथ की बात करता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक जो टेस्ट है मेंस का, उसको 4 GO में करना है। 4 GO में मतलब आपको 4 बार 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखने हैं। मान लो, इसको समझाता हूँ थोड़ा ढंग से, मान लो कि आप ये 4 GO में करना है, तो आप पहली गो में अगर मान लो 1 to 100 क्वेश्चन एक बार देख लेते हो, पहली गो में टारगेट करो कि 20 से 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर हाँ ये 20 से 25 होंगे, अगर मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम होगा, अगर इजी होगा तो 30 40 50 भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिफिकल्ट होगा तो मे भी हो सकता है 10 12 क्वेश्चन ही हो पहली गो में, और पहली गो में वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो बस आपको पता है कि हाँ झट से कर ही लूंगा मैं। इन 20 25 क्वेश्चन को करने में आपको 15 से 17 मिनट लगे, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली बात है झट से करने वाले होंगे तो 15 17 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो लेट्स से 15 17 मिनट लगे। अब दूसरी गो में आपको वो वाले क्वेश्चन उठा लेने हैं जो आपने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिए कि हाँ कॉन्सेप्ट है माइंड में, बट फिगर्स आपको थोड़ी मुश्किल लग रही थी, ठीक है, कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। उस गो में लेट्स से कि आपने 20-25 क्वेश्चन उस गो में निकाल लिए, ठीक है। अब तीसरी गो में आपको वो वाले क्वेश्चन उठाने हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, लाइक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि किस कॉन्सेप्ट से बन रहा है क्वेश्चन, बट एकदम से आइडिया नहीं बना कि कैसे करोगे, ठीक है। ये है क्लियर आइडिया वाले, क्लियरली आपको पता है कि कैसे करने हैं। ये है थोड़ा वेग सा आइडिया, वेग क्या बोल लो, आप ये कह सकते हो कि आइडिया क्लियर है बट मैं कैलकुलेशन को मान के चलूंगा, कैलकुलेटिव लग रहे थे आपको, देखने में कैलकुलेटिव लग रहे थे, आपने इस वजह से छोड़ दिया। ये वो वाले क्वेश्चन है देन जिनमें वेग सा आपको आपके पास आइडिया है, ठीक है। ये कुछ मान लो कि इस अटेम्प्ट में 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए आपने, ठीक है। अब फोर्थ गो में आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, आपको लग रहा है कि आपको सोचना पड़ेगा करने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, नया आइडिया बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि अब जो एग्जाम सेटर है वो इजी होगा, सॉरी एग्जाम इजी नहीं है, ठीक है, इजी नहीं है कि इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि लेवल चाहे वही है बट न्यू क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन जो ये जो फोर्थ ग्रो में आप जो करोगे इनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, ये रिजल्ट बना देते हैं, तो फिर बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो पाते हैं वो फोर्थ ग्रो में करने हैं। अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो डेफिनेटली जो आपका अटेम्प्ट है वो बेटर रहने वाला है, ठीक। आप डेफिनेटली ज्यादा स्कोर करोगे, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग स्कोर करोगे, नहीं तो होता क्या कि अगर आपका 95% टाइल का कैलिबर है, 75% टाइल तक रह जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब बुक्स की बात कर लेते हैं। अब मैं अगर बुक्स की बात करूं, बुक्स मैंने कौन कौन सी फॉलो करी हैं, ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आपको पता है कि एसएससी की किरण की, किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो, उसको लगा डालो, ठीक है। बहुत से एजुकेटर से आपने सुना होगा तो मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। उसके साथ में आपने RYP राकेश यादव पब्लिकेशन की हायर मैथ्स की बुक लगा डालनी है। अब इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए आप एम टायरा लगा सकते हो, ठीक, एम टायरा लगा सकते हो, आपकी क्वांट पे थोड़ा सा होल्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। हायर मैथ्स के लिए जस्ट बुक इज इनफ और एम टायरा फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एसएससी जो किरण है प्रीवियस ईयर, ये तीन बुक्स भी कर लोगे ना, तीन बुक्स कर लोगे ढंग से इनफ है, ठीक। कॉन्सेप्ट यही बनने वाले हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं आ जाएगा, हाँ बस ये है कि क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के नया डालने की कोशिश करिए। जब से TCS ने पेपर डालने शुरू करे आपको पता होगा कि नए क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन ज्यादा आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक सेट था ना, एक माइंड सेट कि हाँ प्रीवियस ईयर लगा लो और बात खत्म बस, वो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये अगर 4 पॉइंट्स आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप 10 से 15% का जो इंक्रीमेंट है आपके मार्क्स में वो डेफिनेटली एक बिल्कुल मतलब इंस्टेंटली देखोगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेड्यूल के साथ चलना है, 8 घंटे दिए हैं तो टारगेट के साथ चलना, ठीक है। शेड्यूल विद टारगेट, शेड्यूल विद टारगेट पहली चीज, ठीक है। जंक क्वेश्चंस को अवॉइड करो, ठीक है, और कोई भी बुक कोई भी स्टडी मटेरियल लाते हो कम से कम 3 बार करना है उसको, और मॉक्स को एनालाइज करो ढंग से, ठीक है। मॉक्स की एनालाइजेशन ढंग से करो, मॉक्स को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया बस उनको देख लिया, नहीं, देखो कि आपका अटेम्प्ट कैसा था,
परसेंटाइल में कितनी वेरिएशन आ रही है, कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा, कौन से टॉपिक आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आई, उस टाइप को फिर से करो बाय हार्ट, उसको ध्यान से देखो कि हाँ क्या गलतियां कर रहे हो, किस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट देखो कि कहाँ पे जाके आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट में गड़बड़ हो गई, स्टार्टिंग में अगर दो तीन क्वेश्चन नहीं हो तो आप पैनिक कर जाते हो, वो भी एक बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान दो, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम कॉन्टेंट।